हाई एवरी वन वेलकम बैक टू दिस चैनल माई नेम इज़ कृतिका एंड दिस इज ओ टू आई एस एकेडमी आगे बढ़ रहे हैं हम अपनी ड्रॉ सीरीज़ के साथ में दैट इज़ डेली रिविजन एंड वर्क तो ये सेगमेंट आपका हिमाचल सेगमेंट है सिंस इसमें आपका करंट अफेयर्स भी चल रहा है नेशनल इंटरनेशनल जी एस भी चल रहा है एंड दिस इज़ द हिमाचल सेगमेंट गोइंग ऑन इसमें हम लोग दो चीज़ें कर रहे हैं एक दिन हम लोग एम सी क्यूज प्रैक्टिस करते हैं और एक दिन मैं हिमाचल के करंट अफेयर्स को कवर करती हूँ जो कि पिछले एक साल के हैं ऐसा नहीं है कि एच ए एस में इनफैक्ट और भी जितने एग्जाम्स हैं उनमें ही आपको हेल्प करेगा और जो छोटे एग्जाम होते हैं उनमें तो अक्सर ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं जैसे आज हम पीपल एंड प्लेसेस इन न्यूज़ देख रहे हैं तो किसको कौन सा अवार्ड मिला कौन से प्लेसेज हैं डायरेक्टली जैसे एक किसी भी छोटी सी चीज़ का मैंशन किया गया कि लग वैली है लग वैली है हिमाचल की वो कहाँ पर है तो ये सिर्फ न्यूज़ में है इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा कहीं बलोकरा में नहीं मिलेगा किसी और बुक में नहीं मिलेगा ये कहाँ पर है ये है आपकी कुल्लू में सो so, इसी तरीके से हमने न्यूज़ को यहाँ पर बाइफरकेट किया है और ये आपका पार्ट टू है जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है सो डू चेक इट आउट अगर आप इन लेक्चर्स के पीडीएफ को बाद में पढ़ना चाहते हैं तो वो आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वहाँ से आप इसको डाउनलोड करेंगे तो एक कोर्स बना हुआ है एच पी एस टेस्ट सीरीज इसमें आप कंटेंट सेक्शन में जाके फ्री रिसोर्सेज का एक फोल्डर होगा उसमें आप चेक कर सकते हैं और भी अगर आपको हेल्प uh, चाहिए एच में तो एक फाउंडेशन बैच है इनफैक्ट ये टेस्ट सीरीज ही है इसको भी आप चेक कर सकते हैं सो so, पिछले एक साल के करंट अफेयर्स की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कैटेगरी वाइज करेंगे अवार्ड्स रैंक्स इंडेक्स हमने कर लिया पीपल प्लेसेस भी हो जाएगा और यहाँ से आगे बढ़े तो सबसे पहला यहाँ पर हम लोग देखते हैं दैट इज़ हेमंत लता नायर को बेस्ट स्पोर्ट्स अचीवर अवार्ड यहाँ पर दिया गया है अगेन इनका कि कहाँ से है वो इम्पोर्टेंट है ये मंडी की एक टीचर हैं और इनको ये बेस्ट स्पोर्ट्स अचीवर अवार्ड दिया सोशल जस्टिस एंड एम्पावर मिनिस्ट्री ने तो अब आ, इन यहाँ पर क्यों ये दिया गया क्योंकि इनकी एक रिकमेंडेशन थी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में अगेन इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा ज़्यादा प्रीपे क्वेश्चन बनेगा तो वो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इनको ये बेस्ट स्पोर्ट्स अचीवर्स अवार्ड दिया गया नेक्स्ट आता है माधव योग आश्रम सिंस योग को लेकर अभी बहुत ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस आ रही है तो उसी को लेकर यहाँ पर ये यह बनाया गया और इसका फाउंडेशन स्टोन जो है हमारे गवर्नर ने रखा अभी कहाँ पर बनाया जा रहा है यहाँ पर आपका प्री फैक्ट बनता है तो अश्विनी खड्ड के किनारे ये बनाया जाएगा यहाँ ये यह कहाँ पर है ये सोलन में है और अगर आपने रिवर्स वाले लेक्चर पढ़े हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है सो टू कॉमेंटेड अगर नहीं तो रिवर्स वाला लेक्चर वापस से कर लेंगे है ना यहाँ पर एक मोहन हेरिटेज ना, हेरिटेज पार्क भी है जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़ा सुंदर बनाया हुआ है तो वो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा नेक्स्ट हमारा आता है पीयूष शर्मा पीयूष शर्मा ने नेशनल पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में यहाँ पर ब्रोंज मेडल जीता तो अप्रैल में आपकी मध्य प्रदेश में ये नेशनल पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुई थी और उन्होंने यहाँ पर ब्रोंज मेडलिस्ट में जीता ये हिमाचल प्रदेश के इकलौते इंटरनेशनल व्हील चेयर टी प्लेयर जो हैं यहाँ पर हैं ये कहाँ से हैं तो ये आपके शिमला से हैं और दिस इज द सेकेंड कन्जिक्यूटिव टाइम जब इन्होंने ये नेशनल चैम्पियनशिप जीती है सो so, इनका नाम आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट आता है हमारा भगवान परशुराम संस्कृति भवन जो है वो बनाया जा रहा है अब अगर आपको नहीं है ये पता तो आपका कॉमन सेंस क्या कहेगा अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है कि ये पक्का सिरमौर में बनाया जा रहा होगा या फिर कुल्लू निर्मंड वहीं जैसे कहीं बनाया जा रहा होगा लेकिन ये कांगड़ा में बनाया जा रहा है यही इसका ट्विस्ट है क्योंकि जब भी हम परशुराम भगवान के बारे में सोचते हैं तो हिस्ट्री में हमारे दिमाग में रेणुका झील आती है और रेणुका माता आती है किस तरीके से वहाँ पर फेयर किया जाता है उनको और उनके बेटे को याद करने के लिए या फिर वो वहां से कहाँ चले गए थे कुल्लू निर्मंड तो ये आपका हिस्ट्री का पार्ट रहता है तो आपके दिमाग में वो आएगा लेकिन बेसिकली हम उन्हीं को यहाँ पर जो है रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं लेकिन बना बस कांगड़ा में रहे हैं भगवान परशुराम संस्कृति भवन सो इस तरीके से इसकी जो है वो नींव यहाँ पर रखी गई नेक्स्ट आ गया हमारा बलजीत कौर हैं वो यहाँ पर इंडियन एक क्लाइंबर हैं उन्होंने माउंटेन कंचनजंगा जो है यहाँ पर क्लाइम्ब की ये आपकी पुरानी न्यूज है इसमें एड अप कीजिए मे में इन्होंने आपकी माउंट एवरेस्ट भी क्लाइम की है ठीक है तो ये आपका रहता है और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं तो ये आपके सोलन से यहाँ पर बिलोंग करती हैं जब ये न्यूज आई थी लास्ट ईयर तो इसमें उन्होंने लिखा था कि मैं माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ने जा रही हूँ फाइनली जो मे में है टू में वो वहां पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई तो इनका नाम याद रहना चाहिए बलजीत कौर और ये सोलन से हैं नेक्स्ट आ गया आपका प्लेसेस इन न्यूज तो जिब्बी वैली ये कहाँ पर है आपकी कुल्लू में अगेन तीर्थन वैली जिब्बी वैली या बंजार में आपके कुल्लू में कुछ वैलीज़ हैं जिनका मेंशन किया गया क्योंकि ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस चाहती हैं रीजन में अब हम टूरिज्म डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो वो काम करते रहते हैं कि किस तरीके से जो आपकी मेन जग आपकी कुछ कैची जगह है इस तरीके की उनको टूरिज़्म स्पॉट बनाया जाए टूरिस्ट स्पॉट वहाँ पर बनाया जाए इसी बीच में वहाँ पर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है और जो आपके बेसिक कम्यूनिटीज़ है वो पहुँचानी है लेकिन यहाँ पर ये यह कह रहे थे ये जो वैलीज के लोग हैं कि यहाँ पर ये यह नहीं चाहते कि इनका जो इन्वायरमेंट है उसके ऊपर कोई यहाँ पर बेसिकली फ़र्क पड़े तो ये होम स्टेज जैसे कैंप्स होते हैं हट्स होते हैं उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं प्रॉपर जो कंक्रीट के बड़े होटल्स वगैरह है वो यहाँ पर वो नहीं बनाना चाहते इसी के लिए वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस यहाँ पर मांग रहे थे अगेन तो लोकेशन के नाम पर जिब्बी वैली कहाँ पर है कुल्लू में है मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि इस तरीके की वैलीज के ऊपर मेंस में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जैसे कि इमला विमला वैली तो वो आपको कहाँ नहीं मिलती बलोकरा में नहीं मिलती अगेन इस तरीके की न्यूज से ही उनको उठाया जाता है नेक्स्ट हमारी एक बुक है हिमतरु प्रकाशन जी ने यहाँ पर लिखी है जिसका नाम है हाशिए वाली जगह तो ये आपकी कलेक्शन ऑफ पोएम्स है जो भी आपके हिमाचल प्रदेश के बडिंग पोएट्स हैं उन लोगों ने साथ में सिंस हर एक अब अपनी बुक पब्लिश नहीं कर सकता तो उन्होंने क्या बात की उन्होंने बात की कि जो भी उनकी पोएम्स रहेंगी उनको इकट्ठा करके एक ही किताब में डाला गया एक साहित्यकार हैं और कवि हैं गणेश गनी उन्होंने इसको एडिट किया और यहाँ पर ये आगे बढ़कर आई हाशिए वाली जगह ठीक है जी आगे बढ़ते हैं एक और किताब का मेंशन किया गया है जगदीश शर्मा जी ने किताबें लिखी दो शक्तिपीठ और माँ का द्वंद्व माँ और द्वंद्व तो जैसे इसका नाम है शक्तिपीठ जो भी आपका कल्चर है रिच कल्चर हिस्ट्री रिगार्डिंग दीज शक्तिपीठ से यानी कि जो आपके मंदिर हैं देवी देवियों के उनके बारे में रिसर्च करके उन्होंने इसको छापा है और वो शक्तिपीठ और माँ का द्वंद्व जो है यहाँ पर इनको इनोग्रेट किया गया अगेन ये आपको तभी याद रहेंगी जब आप इसकी लिस्ट बनाएंगे एक एक करके देर इज़ वन मोर बुक ये लिखी है आपकी डॉक्टर रोहिणी अरोड़ा ने इस किताब का नाम थोड़ा लंबा है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ आर्टिस फॉर दी सबस्टांस ऑफ ट्रेडिशनल चंबा एम्ब्रॉयडरी लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि चंबा के रुमाल के ऊपर तो पद्मश्री भी मिला हुआ है तो इसके ऊपर क्वेश्चन अगेन पूछ लिया जा सकता है क्योंकि हम लोग यहाँ पर चंबा एम्ब्रॉयडरी की बेसिकली बात कर रहे हैं है ना तो चंबा रुमाल में भी क्या होता है चंबा एम्ब्रॉयडरी की हम लोग बात करते हैं तो अगर इस एम्ब्रॉयडरी के ऊपर तीन पॉइंट बना के अगर आपको दे दिए जाएँ तो क्या आप उसको कर पाएंगे इसमें वही बात की जा रही है कि जो ट्रेडिशनल थीम्स हैं डिज़ाइन हैं मोटिवस हैं चंबा एम्ब्रॉयडरी के उनको किस तरीके से आ, उनकी हिस्ट्री और फिर अभी उनको आर्टिस किस तरीके से आ, आगे दिखाते हैं उसके ऊपर बात की गई है अगेन जो चंबा रुमाल है उसके बारे में आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए जैसे कि उसके थीम्स अगेन जब हम थीम्स की बात कर रहे हैं तो उसमें जो डीटीज़ हैं स्पेशली विष्णु और उनके अवतार तो उनको उसमें डिपिक्ट किया जाता है नेक्स्ट आते हैं एक पर्सनैलिटी जिनका नाम है देवेंद्र कुमार शर्मा अभी ये हमारा जो हिमाचल प्रदेश का इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है उसके चेयरपर्सन हैं और इनको एक आई एक एसोसिएशन है दैट इज एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स उसका चेयरमैन बनाया गया तो इस यहाँ पर आपको सिर्फ एक कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए जैसे एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ द इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स ये क्या है तो सबसे इसके नाम से ही देख सकते हैं हम एशिया पैसिफिक ग्रुप के कुछ जो कंट्रीज़ हैं वो क्या हुआ? आई साथ में आई और उन्होंने एक एसोसिएशन बने तो इसमें 28 मेंबर हैं इंक्लूडिंग इंडिया यहाँ पर ये बात करते हैं कि डैम्स जो हैं जो बड़े डैम्स हैं उसको बन वो ऐसे ही नहीं बन जाते उसके पीछे बहुत सारा बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन प्लानिंग सेफ़्टी ऑफ द डैम्स हो गया है ना उसके अलावा इंजीनियरिंग प्रैक्टिसज़ हैं किस तरीके से टेक्नोलॉजी को उसमें इंकारपोरेट करना है तो ये सारी जो इंफॉमेशन है ये सब लोग ये सारे मेंबर्स जो हैं आपस में बांटते हैं इसको एक्सचेंज किया जाता है सेमिनार्स जो हैं वो इसके ऊपर रखे जाते हैं और वो साथ में आकर ये जो डैम सेफ्टी है इसको इंश्योर करते हैं तो अगेन इसका जो है चेयरमैन किसको बनाया गया देवेंद्र कुमार शर्मा को नेक्स्ट हमारा एक और प्लेस इन न्यूज है इसका नाम है खंजर विलेज अभी खंजर विलेज जो है ये आपका न्यूज में था क्यों था क्योंकि यहां फाइनली जो है रोड कनेक्टिविटी रोड यहां पर पहुंच गया तो इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है आप देख सकते हैं यहां पर यह है और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कहाँ है मियार वैली में मियार वैली कहाँ पर है तो ये है आपकी लाहौल इन स्पीति में तो कहीं पर भी अगर हमें डेवलपमेंट करनी है तो पहला स्टेप क्या रहता है वहां पर रोड पहुंचे तो फाइनली यहाँ पर रोड जो है वो पहुंच गया है और अगेन जो प्लेस इन न्यूज है वो आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट आ गया हमारा फुटबॉल मीट बिगिंस इन मंडी तो एक टूर्नामेंट है जो आपका 1970 में शुरू किया गया उसका नाम है ऑल इंडिया हॉट वेदर फुटबॉल चैम्पियनशिप ये फिफ्टी है और इसको मंडी डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज यहाँ पर किया गया पडल ग्राउंड में इसको किया गया अगेन 10 टीम्स जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही थी तो बस आपको इतना सा ही पता होना चाहिए कि इस बार जो है ये मंडी में आपका हुआ नेक्स्ट हमारी न्यूज है देर इज अ पर्सन इन न्यूज उनका नाम है हिम चैटर्जी उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है म्यूराल पेंटिंग्स का यानी कि बड़ी वॉल पेंटिंग्स का तो ये है आपकी म्यूराल पेंटिंग इन्होंने सबसे लंबी सबसे बड़ी पेंटिंग यहाँ पर बनाई है ये ग्रेन साइलो है जहाँ पर आपके ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है बेसिकली और ये आपकी 28991 स्क्वायर मीटर की है यानी कि तीस हज़ार लगा लीजिए तो इससे पहले ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया जो पहला था वो साउथ कोरिया का था दैट वाज 23680 अभी इन्होंने इसको सरपास कर दिया है और ये बात करते हैं कि इन्होंने अपनी म्यूराल्स में अपनी वॉल पेंटिंग्स में जो आपके सीज़न्स हैं इंडिया के उनको डिपिक्ट किया है तो उनका नाम है नाम क्या है हिम चाटर्जी अगेन न्यूज में क्यों है क्योंकि वो हिमाचल प्रदेश से हैं तो हमने उनका यहाँ पर मेंशन किया नेक्स्ट हमारे एक जो न्यूज में पर्सन है उनका नाम है आंचल ठाकुर ये मनाली की रहने वाली हैं और इन्होंने स्विज़ की एक पीक है जिसका नाम है माउंट ब्रेट हॉन उसको यहाँ पर क्लाइम किया अगेन इसमें साथ में उनके 80 वमेन्स थी जो 25 डिफरेंट नेशन से थी तो इन्होंने साथ में मिलकर इसको क्लाइम किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया अगेन यहाँ पर इनको और भी पहले बहुत सारे अवार्ड से ऑनर किया गया है इनको हिमाचल गौरव भी मिला हुआ है और परशुराम अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स भी यहाँ पर दिया गया है और ये कहाँ से हैं तो ये आपकी मनाली से हैं नेक्स्ट हम एक और अवार्ड की बात करते हैं तो आपका महाराष्ट्र जो अविष्कार फाउंडेशन है वो यहाँ पर द आविष्कार अचीवर्स अवार्ड जो है 2022 के उन्होंने डिक्लेयर किए उसमें से एक कैटेगरी है आपकी बेस्ट नेशन बिल्डर टीचर अवार्ड वो हिमाचल प्रदेश के फ्लाइंग ऑफिसर डॉक्टर चमन लाल क्रांति सिंह जी को यहाँ पर दिया गया वो आपका जो मंडी का अगेन गवर्नमेंट कॉलेज है उसके जर्नलिज्म uh, और जो मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है उसके एच भी हैं और प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर भी वहाँ पर हैं तो इनको ये अवार्ड दिया गया दिस वन इज इंटरेस्टिंग ये आपके uh, प्रेम लाल जी हैं एक वो पोस्टमैन हैं और उनको मेघ दूत अवार्ड दिया गया अब ये लाहौल एंड स्पीति से हैं तो लाहौल एंड स्पीति का जो टेरन है हमें पता है थोड़ा सा टफ़ है आ, बहुत सारी जैसे बर्फ पड़ जाती है टफ हो जाता है कम्युनिकेशन तो ये डेली थर्टी टू किलोमीटर्स पैदल चलते हैं लोगों के मेल उन तक पहुंचाने के लिए तो इसी के लिए इनको मेघ दूत अवार्ड दिया गया ये जो मेघ दूत अवार्ड है ये सबसे बड़ा ऑनर है बेसिकली जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यहाँ पर प्रोवाइड करता है इसमें आपके मेडालियन दिया जाता है एक सर्टिफिकेट और इक्कीस हजार का कैश प्राइस सो ये आपके प्रेमलाल जी को यहाँ पर दिया गया नेक्स्ट आ गया आपका एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है लेकिन इसमें आपका एक जगह भी है जिसका मैंशन किया गया है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अगेन तो फिर जो आपकी न्यूज़ है वो कहती है कि ग्लोबली थ्रेटेंड एक बर्ड स्पीशी है ग्रे क्राउन प्रीनिया ये है आपकी ग्रे क्राउन प्रीनिया इसको हिमाचल प्रदेश के कुनिहार में स्पॉट किया गया अभी ये लास्ट टाइम उत्तराखंड में देखी गई थी और उसके काफ़ी टाइम से थ्रेटेंड ये स्पीशी है इसको कुनिहार में कुनिहार कहाँ पर आता है तो वो आपका सोलन डिस्ट्रिक्ट में आता है अगेन यहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी मेंशन किया गया है मजाथल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि मजाथल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है तो ये आपकी सोलन डिस्ट्रिक्ट में है बहुत सारे रीजंस भी दिए गए हैं क्या रीजंस हैं इसके थ्रेटन होने के पीछे तो हैबिटेट लॉस हो गया है पोल्यूशन है अगेन डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट है वो सारी चीज़ें हैं और जो सेंचुरी एरियाज हैं उनमें फॉरेस्ट फायरस भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं तो यहाँ पर अगेन एक प्लेस इन न्यूज़ क्या है आपकी मजाथल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है सोलन डिस्ट्रिक्ट में नेक्स्ट इज़ डॉक्टर जनार्दन सिंह उनको डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम अवार्ड से यहाँ पर नवाजा गया तो ये आपकी जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है पालमपुर की वहाँ के एक प्रोफेसर हैं ये आपका जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर या फिर नेचुरल फ़ार्मिंग डिपार्टमेंट है उसके एच ओ डी हैं इनफैक्ट इन्होंने बहुत सारे इसी एरिया में जो आपका नेचुरल फार्मिंग है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी लिखे हुए हैं और उनके इसी कंट्रीब्यूशन को लेकर टीचिंग में और रिसर्च में उनको ये डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम अवार्ड यहाँ पर दिया गया लास्ट आज हमारा आ गया नाइन्थ नेशनल विमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई तो ये कहाँ पर थी ये काजा में थी आइस स्केटिंग रिंग काजा में एंड स्पीति में। लोकेशन इंपॉर्टेंट है पहली चीज पहली बार नेशनल लेवल का कंपटीशन जो है हिमाचल प्रदेश में रखा गया अगेन यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं जब मेंस का बनेगा तो हम टूरिज्म की ही बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स टूरिज्म और लाहौल को हम विंटर्स की एक डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं कि जब कोई सोचे कि विंटर कोई भी हमें इवेंट करवाना है तो कहाँ पर लाहौल एंड स्पीति में सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल द वेरी बेस्ट